अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए आइए विज़िट स्टार्ट करते हैं।
आर्मी म्यूज़ियम के इंटरनल सेक्शन में वीडियो फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, वहाँ स्टिल फोटोग्राफी की सिर्फ इजाज़त है। तो हम आपको स्टिल फोटोग्राफी के अंदर दिखाएंगे कि म्यूज़ियम को में किस तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। साथ ही हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो म्यूज़ियम के मुतालिक है उसके मुताबिक भी बताएंगे। तो चलिए अब हम इंटरनल सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके जी, इंटरनल सेक्शन में हम आ चुके हैं। पिक्चराइजेशन आप देखते जाएं और साथ ही साथ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। समर की टाइमिंग जो है वो जनाब सुबह 8 बजे से लेके जो है वो शाम 4:30 बजे तक है, जबकि विंटर टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक है। 4 बजे के बाद म्यूज़ियम में एंट्री नहीं दी जाती। तो ये तो होगी टाइमिंग। इसके अलावा हम ये भी आपको बता दें कि जुमेरात और जुम्मा छुट्टी होगी, ये ऑफ डेज होते हैं, म्यूज़ियम बंद होगा, तो आप विज़िट करने से गुरेज करें। अब बात करते हैं जनाब टिकटिंग की। अडल्ट जो हैं उनकी टिकट जो है वो 100 रुपीज़ है। चिल्ड्रन जो हैं 12 साल से कम उम्र तक के उनके 50 रुपीज़ है। और जो आर्मी के अपने लोग हैं उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए जस्ट 20 रुपीज़ जो है वो रखा गया है। इसी तरह स्टूडेंट जो हैं 20 स्टूडेंट्स का एक बैच होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स की जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपीज़ है। अगर फॉरेनर आते हैं तो उनके पास सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए, तभी वो एंट्री करवा सकते हैं। और उसकी जो प्राइस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी फॉरेनर्स के लिए। तो ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंट्री के लिए। क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या चीज़ें अलाउ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपको वीडियो अलाउ नहीं है इंटरनल सेक्शन में, आप वीडियो नहीं बना सकते, आपका कैमरा जब्त कर लिया जाएगा, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। हाँ, पिक्चराइजेशन आप कर सकते हैं, ग्रुप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ से परहेज करें। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो इंटरनल सेक्शन में अलाउ नहीं है। इसी तरह से जो लेज़र लाइट्स वगैरह हैं या दूसरी किस्म के ट्राईपोड्स हैं वो अलाउ नहीं है, आप जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनल सेक्शन में। इसी तरह से ब्लूटूथ जो है और लेज़र लाइट जो है उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। और बड़ा सख्त इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है। खाने पीने के लिए जो आपका म्यूज़ियम है उसके एट द एंड सेक्शन जो है वो खाने पीने के लिए जो है वो कैफेटेरिया बनाया गया है, आप वहाँ जाकर जो है वो खा पी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आप अपने तौर पर जो है वो इस सेक्शन में नहीं ली जा सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं तो जो मेन गार्डन है, जो मेन पार्क है, आप वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आप इंटरनली सेक्शन में जो है ये नहीं ली जा सकेंगे, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि जब आप इंटरनल सेक्शन में दाखिल होते हैं तो जैसे आप ये पिक्चराइजेशन देख रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो गैलरीज हैं, UNO की गैलरीज है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो UNO के अंदर क्या करेक्टर जो है वो प्ले कर रहा है, कहाँ कहाँ पर जो है अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है, तो उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। इसके अलावा रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जब बन गया और जो इंडिया से आने वाले लोग थे पाकिस्तान में, उनके क्या मसाइब थे, क्या मुश्किल थी, क्या परेशानियाँ, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जद्दोजहद किस तरह से की गई, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइजेशन की गई है। इसके अलावा 1948 से लेके 1965 तक का जो ईरा रहा है उसमें किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, कौन कौन सी छोटी मोटी जंगें जो है वो हिंदुस्तान के साथ चलते रहीं, उसको भी पोर्ट्रेट किया गया है। इसके बाद वॉर ऑफ 1965, 1965 की जंग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हमारे पास इंडिया के तोहफे मौजूद हैं, जो कि उनका कहना था कि हम चाय पियेंगे पाकिस्तान आके और लाहौर में बैठ के जो वो नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता करना तो बेचारों के लिए मेरे ख्याल है शायद अफसोस का ही मुकाम रहा। हाँ, उन्होंने बाद में एक बंदा हमारे पास अभिनंदन के नाम से भेजा था, उसको हमने चाय पिला के जो है वो यहाँ से ज़रूर भेजा है। तो उसके बाद वॉर ऑफ 1971, 1971 की जंग को पोर्ट्रेट किया गया है कि किस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने मुक्ति बानी के नाम पर जो है वो जो अब का बांग्लादेश है उसमें अपना रोल जो है वो प्ले किया है। और वहाँ पर वो लोग जो के पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे यानी मगरबी पाकिस्तान के साथ, उनको किन मसाइब का सामना करना पड़ा है, उसको भी पोर्ट्रेट किया गया है। तो अब हम दोस्तों आपको दोबारा आउटसाइड ले चलते हैं और देखते हैं कि बाहर मज़ीद क्या मिलता है।